हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा जौनपुर। आज हम लोग ईपीकॉक 30 या 200 ईपीकॉक रूट के डॉक्टर विलियम बोरिक के होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसका मुख्य प्रभाव फुसफुस पकासाइक स्नायु मंडल की शाखाओं पर पड़ता है, जिससे सीने और पेट में आक्षेपिक उत्तेजना उत्पन्न हो जाती। अफीम खाने की आदत या उसे किसी प्रकार से सेवन करना ईपीकॉकुआना 30 या 200 की मुख्य विशेषता लगातार मिचली और कह है, इस जो इसका मुख्य सांकेतिक लक्षण न पच सकने न पच सकने योग्य भोजन जैसे किशमिश, मुनक्का, केक इत्यादि खाने के बाद आए उपद्रव, खासकर छोटे बच्चों और बड़े लोगों के लिए जो दुर्बल हों और जिन्हें परिवर्तनशील वातावरण में जुकाम जल्दी होता। गर्म तर मौसम में आक्षेपिक लक्षण, चमकदार लाल और अधिक रक्तस्राव। मन या माइंड सिम्टम, चिड़चिड़ा, हर किसी को निरादर की दृष्टि से देखे, अनेक प्रकार की इच्छाएं, परंतु क्या चाहता है या उसे पता नहीं होता, उल्टी मतली, चक्कर, कमजोरी, वीकनेस। इसका अफीम खाने के आदत या उसे किसी प्रकार से सेवन करना ईपीकॉकुआना की मुख्य विशेषता लगातार मिचली और कहे उल्टी हो, जो इसका मुख्य सांकेतिक लक्षण है। न पच सकने योग्य भोजन जैसे किशमिश, मुनक्का, केक इत्यादि खाने के बाद आए उपद्रव के लिए बहुत उपयोगी दवा। मन या माइंड चिड़चिड़ा, हर किसी को निरादर की दृष्टि से देखे, अनेक प्रकार की इच्छाएं, परंतु क्या चाहता है या उसे पता नहीं होता, सिर या हेड खोपड़ी की हड्डियां जैसे कुचली हुई गई हैं और या रगड़ खा गई हैं, दर्द दांतों और छीप की जड़ तक बढ़े, आंखें आइस प्रदाहित, लाल दर्द चक्षु गोलक के आर पार हो जाए, आंसू अधिक आए, आँख का सफ़ेद पर्दा धुंधला, नज़दीक की निगाह का काम करने के से आँख तक थक जाए, निगाह की दशा निरंतर बदलती रहे, पलक की पेशियों की क्षोभजनक निर्बलता के कारण निगाह की नाड़ियों के में आक्षेप आए, गतिशील चीज़ों की तरफ देखने से मितली आए, चेहरा या फेस आँखों के चारों तरफ नीले घेरे, आंसुओं के साथ बंधे समय पर आने वाला सूल, साथ में अधिक प्रकाश सर्तक पलकों में संताप, नाक या नोज़ जुकाम जिसमें नाक बंद हो जाए और मितली या उल्टी कहे मालूम हो, नकसीर, पेट या स्टमक प्रायः जवान साफ रहे, मुंह नम, अधिक लार, लगातार मिचली और कहे के साथ में दर्द और चेहरे में फड़कन, खाने पित खून या श्लेष्मा की कह करे, आमाशय ढीला मालूम दे, मानो लटक रहा है, पेट या स्टमक प्रायः जबान साफ रहे, मुंह नम, अधिक लार, लगातार मिचली और कह उल्टी मालूम, साथ में दर्द और चेहरे में फड़कन, खाने पित्त खून या श्लेष्मा की उल्टी करे, आमाशय ढीला मालूम दे, मानो लटक रहा हो, हिचकी, आमाशय अब्डोमेन क्रिम जनित पेशी जिसमें मरोड़ हो, मल त्याग के लिए और लगाते समय ऐसा दर्द हो
कि मिचली आने लगे, उल्टी मालूम हो, कटन और ऐसे दर्द हो जैसे किसी ने मुट्ठी में पकड़ लिया। ऐसा दर्द नाभि के आसपास अधिक हो, शरीर कड़ा अंगड़ाई से ले तो अकड़ जाए। आमाशय एब्डोमिन, मल या स्टूल, राल जैसा पखाना, घास जैसा हरा, झागदार सिरे जैसा नाभि के ऊपर ऐठन पेच, किसी चिकना मल, स्त्री या फीमेल, गर्भाशय रक्त अधिक मात्रा में चमकदार बड़े वेग से और मितली के साथ आए, गर्भकालीन कह उल्टी, नाभि से जराय तक दर्द, मासिक समय से बहुत पहले और अधिक आए, श्वास या रिस्पिरेटरी, सांस फूलने और उल्टी के साथ खांसी आए, बहुत ज़्यादा खांसी, उसमें एकोनाइट इपिकाक, एकोनाइट 30 या 200, इपिकाक 30 या 200, आर्सेनिक अल्बा 30 या 200, अस्टाक्स 200, एकोनाइट 30 या 200, ब्राइनिया 200, फॉस्फोरस 30 या 200 देने से खांसी बिल्कुल ठीक हो जाती। बुखार हो तो खाना एक दिन 24 घंटा दूध चाय बतासा पानी उबाला ले, तीसरे दिन से दाल रोटी पानी उबाला एक हफ्ता ले तो बुखार खांसी उल्टी टट्टी प्यास जाड़ा सिर दर्द बदन दर्द सब में बहुत जल्दी फायदा हो जाता है। सांस सीने में लगातार सिकुड़न दमा प्रतिवर्ष कठिन लघु सांस का आक्रमण बराबर छींकते रहना जुकाम साए साए वाली खांसी खांसी लगातार तीव्र हर सांस में छाती बलगम से भरी मालूम पड़े मगर खांसने पर कुछ न निकले बुलबुले उठते जान पड़े खरखराहट दम घोटने वाली खांसी बच्चा कड़ा पड़ जाए चेहरा नीला हो जाए कुरकुर कुकुर खांसी नाक और मुंह में से खून निकले मिचली के साथ फुसफुस से खून फुफ्फुस से खून बहना सिकुड़ा सा लगे खड़खड़ाती खांसी क्रुप खांसी जरा से परिश्रम से मुंह में खून निकले मिलीफोलियम 30 या 200 आवाज़ भारी खासकर जुकाम के बाद पूर्ण स्वर लोप ज्वर फीवर विषम ज्वर जो अनियमित रूप से आए कुनीन के बाद हितकर है कम से कम सर्दी और अधिक गर्मी मितली कह और सांस कष्ट के साथ आए खाने पीने की भूलों से ज्वर फिर लौट आए नींद असली पतखुली आंखें सोने के काल में नींद लगते ही सभी अंगों में झटके। धन्यवाद दोस्तों नमस्कार।